देखिए, यह है डुरंटा और यह बाउंड्री पर लगाया जाता है और बाउंड्री कवर करने के लिए लगा सकते हैं इसको। आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं, टपोरी बना सकते हैं, कटिंग करके अच्छी तरह से, बहुत अच्छी कटिंग के द्वारा आप इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने इसकी कटिंग, देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसको आप बास्केट में भी लगा सकते हैं और ट्रे में भी लगा सकते हैं। इस पे फूल कोई ख़ास नहीं आता, छोटे छोटे फूल आते हैं। वैसे यह है, ज़्यादातर हम अपने प्लॉट की आगे जो है गार्डन बनाते हैं तो उसमें बाउंड्री पर लगा लेते हैं, लेकिन ये गमलों में भी काफ़ी अच्छी तैयार होता है। इसकी अलग अलग शेप दे के हम इसकी टपोरी वगैरह बना सकते हैं, इस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसको ग्रो कैसे करें तो देखिए, इसकी हम यहाँ से कटिंग ले लेंगे इस तरह से और इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए इतनी इतनी। तुम्हें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं और बहुत ही आसानी से यह जगह जगह अपनी हेज लगानी है, तो इसी तरह से आप इसको कटिंग करिए और लगवा दीजिए और फिर माली वगैरह से या खुद अपनी बाउंड्री पर लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। इसके वैसे खास ज़्यादा महंगे भी पेड़ नहीं आते, इसकी जो है थैली में मिल जाता है, 10 रुपये तक इसका पेड़ मिल जाता है। वैसे हम इकट्ठा उखेड़ के इतनी इतनी सी जब लेते हैं तो वो तो हमें 3 रुपये में 2 रुपये में भी मिल जाता है। और हम जब हैज लगाते हैं तो हम नर्सरी वालों से जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर लें तो ये हमें 2-2.5 रुपये में इतना छोटी थैली में पेड़ दे देते हैं इसको। इसको वैसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत देख रेख की नहीं होती, लेकिन इसकी कटाई छटाई हमें बराबर करानी पड़ती है। इसको पानी कैसा दें तो पानी इसको जो है नमी इसको बनाए रखें, नमी इसको पसंद होती है, सूखा इसको ज़्यादा नहीं पसंद होता। लेकिन इसको मिट्टी जो है चिकनी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पानी भरा रहे वैसी नहीं होनी चाहिए, इसकी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आप जो है 50% गार्डन की मिट्टी और 20% रेत जो है मोटी बालू वाला रेत, 20% आप गोबर की जो है खाद मिलाकर या वर्मिंग कंपोस्ट मिलाकर और 10% आप जो है थोड़ा सा जो है नीम की खली मिला दें तो इससे कोई फंगस वगैरह नहीं आती। और उस मिट्टी को तैयार करके आप इसकी हैज लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी जो है पानी नहीं भरा रहना चाहिए, पानी इसको कम देना चाहिए। कभी कभी इसको जो है ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती, बस निराई गुड़ाई कराते रहिए, इसकी साफ़ सफाई नीचे हो जाए तो इसकी कटिंग करा देनी चाहिए, नीचे झाड़ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कटिंग करा देनी चाहिए। इसको समय समय पर आप जो है पानी देते रहें और पाइप से धुलाई कराते रहें, कटिंग कराते रहें, काफ़ी अच्छी हैज तैयार हो जाती है। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।